हेलो बच्चों वेलकम टू कॉमर्स एज अगेन आज का टॉपिक है कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग इज टेक्निकली द लास्ट पार्ट ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ पार्ट ए पार्ट ए का लास्ट पार्ट part है पार्ट ए का लास्ट चैप्टर है और uh, जितना भी अभी तक पढ़ा है उन सब का समअप तो बोल सकते हो तुम लोग कैसा है तुमने सबसे पहले स्टार्ट करा था प्लानिंग के साथ और तुम आए हो डायरेक्टिंग तक यहाँ तक तुमने पढ़ लिया होगा अब इन सब प्रोसेस को इन सारी सिचुएशंस को इन सब को कंट्रोल कैसे करना है स्टाफिंग को प्लानिंग को डायरेक्टिंग को ये सब चीजों को कंट्रोल कैसे करा जाता है और कंट्रोलिंग है क्या तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है बहुत छोटा सा पोर्शन है ये दो टॉपिक का चैप्टर है ऐसा बोल इसमें दो ही टॉपिक से क्वेश्चन होते हैं और दो ही टॉपिक से बनते भी और बने भी हैं आज तक हिस्टोरिकली सो देखते हैं क्या है इस चैप्टर में जल्दी से फर्स्ट इज मीनिंग ऑब्वियसली तो करने पड़ेगा चलो सो कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन कैन बी डिफाइंड इज इंश्योरिंग दैट एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन Uh, performed as, uh, as per the plans, controlling also ensures that organizations' resources are being used efficiently and effectively for the achievement of predetermined goals. Uh, this is bookish definition. This is a normal definition. Matatao. What you have planned and what you have performed, is there is any variation between the two, you need to control it. And it is, uh, it is so obvious that variation is negative. Hoga. Matlab, ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्लान टू अचीव दिस मच ऑफ टारगेट और तुमने इतना ही अचीव करा मतलब तुमने प्लान सॉरी तुमने प्लान इतना करा और तुमने ज्यादा अचीव कर लिया ऐसा नहीं होता और ऐसा हुआ है तो फिर तुम्हारी प्लानिंग ही खराब है फिर ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप फिर से बदलने की जरूरत है पर हम अच्छी ऑर्गेनाइजन की बात कर रहे हैं जहां पे सब कुछ स्ट्रक्चराइज है सेट है परफॉर्मड है एक्सपीरियंस्ड लोग हैं सो वो हमेशा ज्यादा ही थोड़ा सा परफॉर्मेंस से अब मान के चलो अगर आपने सोचा है कि आई अचीव का टारगेट सेट करोर्स कुछ चीजें हर चीज रियलिस्टिक नहीं होती थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म के साथ ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है इतना होने के बाद ज्यादा तो नहीं हो सकता इतना तो फोरकास्टिंग वीक नहीं होगी अब क्या हो रहा है तुमने प्लान करा है टेन इलेवन करोड़ तुम्हारा प्लानिंग है ऊपर तो नहीं जाएगा इससे प्रोडक्शन रिटर्न इससे ऊपर नहीं जाने वाले सपोज योर रिटर्न इज समवेयर क्लोज टू नाइन करोर्स तो तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा कि एक करोड़ का वन सी आर का so so होती है जो गैप होता है उसकी कंट्रोलिंग गैप क्यों हुआ कैसे हुआ आइडेंटिफाई करो चेंज करते हैं करेक्ट मेजर्स लेते हैं यही कंट्रोलिंग है. इसी से रिलेटेड तो इसलिए दो ही टॉपिक है इसके अंदर सो फर्स्ट टॉपिक इज आफ्टर मीनिंग प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग को प्रोसेस Uh, कैसे करा जाता है क्या एग्जैक्टली exactly कंट्रोलिंग का प्रोसेस है तो फर्स्ट प्रोसेस इज सेटिंग अप ऑफ हमें स्टैंडर्ड uh, सेट करने होते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टैंडर्ड और एग्जैक्टली स्टैंडर्ड इज कि जब तुमने काम करना शुरू करा ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो तुम ये चेक करो कि तुम्हारा तुम, स्टैंडर्ड क्या होगा स्टैंडर्ड इज ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एक्टिविटीज होती है सो ऑल दी एक्टिविटीज कंबाइंड एंड क्लब टूगेदर इनका एक स्टैंडर्ड होगा जैसे स्टैंडर्ड टू वर्क वो इतना काम करेंगे इतने ऑफ ऑफ जॉब इतनी ड्यूटी इतना प्रोडक्शन इतना इनपुट इतना आउटपुट ये हर चीज का एक स्टैंडर्ड सेट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे <coughs> मान लेते हैं सीईओ की बात नहीं करते हम उसके नीचे लेवल पे आते हैं

फोर्टी फाइव आवर्स ऑफ जॉब में वीक में हमें इतना परफॉर्म करना चाहिए था करना चाहिए दिस इज द स्टैंडर्ड 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 सेट 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 फॉर फॉर मैनेजर्स सेम सेम दुपरवाइजर्स एम्प्लॉइज लिए अपना स्टैंडर्ड सेट है ये स्टैंडर्ड हर ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम चेंज करता है लुकिंग इनटू द इन ऑफ द एनवायरनमेंट हर चीज का अपना एक डायनामिजम होता है ठीक है सो डायनामिज्म के हिसाब से स्टैंडर्ड चेंज हो गया तो हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे आता है दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अब ये देखो कि उन्होंने 45 आवर्स वीक के हिसाब से जब काम करो तो एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद या तीन महीने बाद होता 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 है आ, होता है होता है मंथ मंथ उसके बाद उनका परफॉर्मेंस कितना रहा है तो वीक में उनको करना चाहिए था इतना परफॉर्मेंस उन्होंने इतना करा है सो इज अ लैग देर इज अ गैप उस गैप को हमेंटिफाई करना होता है दिस इज वॉट एग्जैक्टली कंट्रोलिंग इज सो so, हमें मेजर करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस फिर चेक करो कंपेयर करो एक्चुअल परफॉर्मेंस को इसके साथ कि यार कहा गड़बड़ हुई हमने आर्ट्स में गड़बड़ करी या आर्ट्स वो लोग आए कि नहीं आए हाँ यार वो लोग तो कुछ लोग आर्स ही नहीं आए ये गड़बड़ है सो कम्पेरिजन करना होता है समझना कंपेरिजन की बात में जो करने जा रहा हूं कभी कभी वो लोग नाइन आर्ट की जगह सेवन आर्स एवरेज ऑफिस में उन्होंने प्रेजेंस दिखाई है सो गैप हो रहा है सो वी नीड टू चेक दिस कि गैप कहां पे हुआ नहीं वो नाइन आर्स ही आए फिर भी गैप हो रहा है सो ये होता है फोर्थ पॉइंट कंपैरिजन के बाद हमें analysis करना होता होता है। है? है। अब अब जो gap आया, वो वो क्यों क्यों आया? क्या actual problem रही? हमने सब कुछ कर दिया, comparison कर लिया, आए, आए, नहीं ये ये के साथ काम होता है analysis हमें करना पड़ेगा कि वो exactly, uh, their उनका एग्जैक्टली exactly रोल क्या होगा ठीक है सो हमने एनालिसिस चार्ट बनाया टेबल बनाया उसके बेसिस पे डेविएशन को एनालिसिस करते हैं अब डेविएशन वर्ड क्या होता है क्लास में याद करो डेविएशन इज कितना डेविएशन इफ द डेविएशन इज सिग्निफिकेंट नॉर्मल डेविएशन है अभी कोविड नाइनटीन चल रहा है सो कोविड नाइनटीन चल रहा है सो नॉर्मल ठीक, ठीक है इट वर्क ठीक है कोविड नाइनटीन अब एंड हो चुका है अब क्या डेविएशन नॉर्मल नहीं है अब नहीं होना चाहिए वो डेविएशन ठीक है अब ये डिजास्टर सिचुएशन है एक्स वाई जेड में कोई भी डिजास्टर सिचुएशन की बात करता हूँ ठीक है

लास्ट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन फिर क्या है फिर है प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच का रिलेशनशिप रिश्ता क्या है यह बहुत जरूरी है प्लानिंग हमने पहले करा हम हम कंट्रोल कर रहे हैं इसके बीच का रिश्ता क्या है सोचो तुमने जो प्लान करा था तुम तो उसे ही तो कंट्रोल करोगे मैंने प्लान करा था ऐसा 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 होना चाहिए यह तो हुआ एक चीज नहीं हुई उससे ही तो चेक करने वाले हो ना तो कंट्रोलिंग एक्चुअली प्लानिंग के साथ ही होती है पर दोनों के बीच के रिलेशनशिप क्या है प्लानिंग

और दोनों में कंट्रोलिंग और प्लानिंग uh, में एक्शंस वर्क करते हैं प्लानिंग भी एक्शन है प्लानिंग तो इनिशिएट्स uh, मतलब प्लानिंग तो इनिशिएटिव फंक्शन होता है बेसिक फंक्शन होता है सो so, प्लानिंग के बाद एक्शन हो जाता है कंट्रोलिंग में भी एक्शन है दोनों में एक्शंस तो इन्वॉल्व है ठीक है सो प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस कुछ केस स्टडीज देख लेते हैं एक बार सो हियर द फर्स्ट केस तुम्हारे सामने है पहला केस फर्स्ट केस इज हिना स्वीट का केस uh, है लेट्स सी लेट्स चेक केस हिना इज नेम फॉर क्वालिटी स्वीट्स थर्टी फाइव हर्ष दिना स्वीट रिवॉर एज द सेल्स हैड डिक्लाइन ड्यूरिंग सेल्स हैड डिक्लाइन ड्यूरिंग लास्ट थ्री मंथ वेन इंक्वाय फ्रॉम सेल्स मैनेजर रिपोर्टेड दैट देवर

मैं यहां पे समझूंगा कि तुम लोग इसका आंसर दे रहे हो वीडियो पॉज करके भले ही सही भले मैं रुक जाता हूं कुछ सेकंड्स इसका आंसर देना ठीक है सोच इसकी कौन सी स्टेप तुम्हें ये ये तो पता है चलो है चलो कंट्रोलिंग का क्वेश्चन अगर ये कंट्रोलिंग का नहीं पता होता तुम्हें समझना पड़ेगा कि आ, देखो वो क्या थे क्या उन्होंने सोचा था कि वो लाइफ में कहा जाएंगे और दे आर कंट्रोलिंग द सिचुएशन ऑफ ड्रॉप डाउन इन दिस वो ड्रॉप डाउन सिचुएशन को लाइफ में कंट्रोल कर रहे हैं हिना सेल्स तो उन्हें इसी चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा सो आंसर दिस क्वेश्चन दिस इज द आंसर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इज दिस स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस इज डिस्क्राइब है कंट्रोलिंग प्रोसेस ये भी समझाना पड़ेगा कि कंट्रोलिंग चैप्टर से कंट्रोलिंग प्रोसेस है कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, है? <laughs> उसी में वो कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस

Uh, it was reported that employees uh, were not able to achieve the target. After the analysis, they found that employees were demotivated de and not putting demotivation, the motivation chapter se relate host uh, directing say, but Dan demotivated and not putting their best for achieving the target. Mr. Nath's behavior is good towards the employees. His attitude is uh, always positive, so he announced various incentive scheme for them. installing our certificate of the best performance.

तो मैंने इंसेंटिव लिया तो इंसेंटिव इज अ करेक्टिव मेजर फॉर द परफॉर्मेंस ये एक करेक्टिव मेजर होता है देखो करेक्टिव मेजर कहीं ना कहीं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से ही तो निकलेगा करेक्टिव मेजर कोई अलग दुनिया से तो नहीं आने वाला ना तो करेक्टिव मेजर जो भी हो अगर आप परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए कोई करेक्टिव मेजर ले रहे हो या फिर आप परफॉर्मेंस चेक कर रहे हो सो आप कंट्रोलिंग कर रहे हो सो कंट्रोलिंग इज एवरीवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल परवेसिव कंटिन्यूएशन में रहेगा इसके फीचर्स हमेशा याद रखना जो मैनेजमेंट के जितने फीचर्स होते हैं कंट्रोलिंग में सारे डाल देना पहला चैप्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ये बिजनेस स्टडीज का जो पहला चैप्टर क्लास का मैनेजमेंट में जितने भी वो वो है आ, फीचर्स वो सारे फीचर्स सारे सारे कैरेक्टर्स कंट्रोलिंग के होते हैं सारे कैरेक्टर्स ठीक थी। है तो इसीलिए और एम्प्लॉय मोटिवेशन सेल्फ वाला तो तुम समझ गए होगे कि कौन से इंसेंटिव दिए हैं ठीक है फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कहां कहां पर फाइनेंशियल दिए ये तो तुम्हें पता ही होगा लेकिन याद रखना कंट्रोलिंग कहीं पे भी आ सकता है जहां पे चेक हुआ परफॉर्मेंस जहाँ पे करेक्टिव मेजर लिया जहां पे कंपैरिजन करा क्यों गलती हो रही है।, है ये बताने का रीजन है कंट्रोलिंग की केस केस स्टडीज स्टडीज बहुत मिक्सचर आते हैं वो कहीं पे भी साथ में आ सकती है क्योंकि वो मिक्स होगा मोटिवेशन आएगा डायरेक्टिंग आएगा स्टाफिंग आएगा कि यार हमने स्टाफिंग में इंटरनल वो चेंज करना शुरू कर दिया ट्रांसफर्स करना शुरू करे क्योंकि परफॉर्मेंस डिप हो रहा था तो परफॉर्मेंस डिप हो रहा था चेक तो करा होगा ना और फिर तुमने करेक्ट मेटी ट्रांसफर तो लो को लगेगा स्टाफिंग स्टाफिंग है लेकिन है? तो hope, सब समझ में आया होगा क्लियर हुआ होगा छोटा सा चैप्टर है इसकी क्वेश्चन की स्टडी आएगा पर प्रोसेस का अलग से क्वेश्चन और फॉरवर्ड लुकिंग बैकवर्ड लुकिंग तो हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं सो उम्मीद के साथ कि तुम लोग इसको अच्छे समझ लोगे। थैंक यू थैंक लॉट